हेलो एवरीवन, एवरेज स्टूडेंट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2019 और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू माइंड मैप। सो हमारा पर्पस ये वीडियो को डिस्कस करने का है कि न्यूज़पेपर पे जो जितने भी द हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी न्यूज है उसको स्टैटिक पास से रिलेट किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में न्यूज़पेपर से स्टैटिक पार्ट को कवर किया गया है। मैंने उस पर वीडियो बनाया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। पहला न्यूज जो है वो पेपर टू से रिलेटेड है। जैसे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा और उन्होंने उनको इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पर रिजर्वेशन देने के लिए कुछ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन किया है कि जिन्हें जिनका पर ईयर इनकम जो है 8 लाख से कम होगा, जिनका जो है फार्म लैंड जो है 5 एकड़ से कम होगा और जिनका हाउस जो है वो 100 स्क्वायर फीट से कम होगा, उनको ये दिया जाएगा। लेकिन इस पर आप ये इसको रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पास करेगा। जैसे कि इंदिरा साहनी केस में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था कि 50% से कैप से बाहर रिजर्वेशन नहीं जा सकता है, जो कि ये इसमें ये अबव द 50% कैप से जा रहा है। इसको आप आर्टिकल 368 से रिलेट कर सकते हैं कि इसका अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 38 से कैसे रिलेटेड है, और इसको अमेंड करने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है ये आप पढ़ सकते हैं, और इसके बारे में अमेंडमेंट कैसे किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि क्या क्या प्रोविजन है, कितने ये वोटिंग ये रिक्वायरमेंट है, किस किस फेज में ये पास होता है, ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो पेपर 3 से रिलेटेड है। इकोनॉमी पार्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट जो है अभी ये किए कि 2019 के फिस्कल ईयर में अपना ग्रोथ रेट जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 7.2% होने वाला है, तो आप इसको एक तरह से ये कर सकते हैं 2018 का जीडीपी ग्रोथ रेट आप रिलेट कर सकते हैं इससे और जान सकते हैं जीडीपी होता है क्या है। नेक्स्ट पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, कि एनिमल जो है वो वायराग सेंचुरी जो है केरला में है उस वहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। उसका रीज़न यह है कि वहाँ पर वाटर का अवेलेबिलिटी और जो खाने पीने का उनका फॉर्डर जो होता है वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है वहाँ पे। तो आप ये कर सकते हैं कि वायनाड सेंचुरी के बारे में आप ये पढ़ सकते हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, वहाँ पे जो कोई एनिमल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं है, किस टाइप का वहाँ पर टिम्बर पाया जाता है, फ्लोरा फौना क्या है वहाँ का, ये सब आप कवर कर सकते हैं। उसका मैप देख सकते हैं, उसके आसपास का नेशनल पार्क देख सकते हैं कि कौन कौन सा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सा है। नेक्स्ट न्यूज जो पेपर 3 से रिलेट कर सकते, पेपर 2 से भी है और पेपर 3 से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नेंस से भी रिलेटेड है और इसको एक तरह से ये माइनिंग की वजह से जो मेघालय में माइन कोलैप्स हुआ है उसको डिजास्टर से भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको, कि और इस जो कोल माइन के डीलर है उन्होंने रीजन साइट किया है कि लोग क्यों इसके लिए जाते हैं, इलीगल माइनिंग के लिए क्यों ये करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जॉब अवेलेबल नहीं है, उन लोग डेप्थ में फंसे हुए हैं, इस वजह से इलीगल माइन को ये करते हैं, प्रोमोट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं आपको, कि गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप बिल को पास करने के लिए मंजूरी दे दी है। सो सिटीजनशिप बिल है क्या? सिटीजनशिप बिल में एक्चुअली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो भी हिंदू जैन सिख पारसी क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं 2014 से पहले, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा और वो इंडिया के ये हो जाएंगे, सिटीजन्स हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ आसाम जो है वो उन्होंने इसको ये किया है कि इससे बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो है वो आसाम में ये हो जाएंगे, और आसाम एकॉर्ड 1985 का ये वायलेशन है एक तरह से। नेक्स्ट न्यूज पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है कि अब लिटरेसी जो है वो डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं रहेगा, मतलब कि कोई भी आदमी अब लिटरेसी का ग्राउंड देकर किसी से डाइवोर्स नहीं ले सकता है। इस बिल के अंदर में गवर्नमेंट ने 5 एक्ट को ये किया है अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोज किया है, जो है डाइवोर्स एक्ट 1869, द डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इन 5 प्रोविजन को गवर्नमेंट ने अमेंड करना ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, ताकि एक तरह से गवर्नमेंट इक्वालिटी की तरफ प्रमोट कर रही है और सोसाइटी में भी इक्वालिटी को प्रमोट करना है। नेक्स्ट जो है पेपर 2 से आप रिलेट कर सकते हैं, वहीं गवर्नमेंट के
10% रिजर्वेशन के इस पे है कि क्या ये लीगल टेस्ट पास कर पाएगा, क्योंकि इंदिरा साहनी के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें 50% कैप को ब्रीच नहीं करना है। सो इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि क्या वो लीगल टेस्ट को पास कर पाएगा। नेक्स्ट है 66 एक्ट ऑफ आईटी एक्ट, 66A और सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल ये कर दिया था कि इसको इन्वोक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे फाइंडिंग में पाया गया है कि ये अभी भी बहुत सारे एफआईआर में यूज होता है। और एक तरह से ये आपके आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है उसको एक तरह से ये ब्रीच करता है, और फंडामेंटल राइट का एक तरह से ये हनन है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको यूज नहीं किया जाए। नेक्स्ट पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये जान सकते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या होता है, कहाँ के वर्ल्ड बैंक ये बन सकते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और वर्ल्ड बैंक का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उनके 5 आर्म्स के बारे में जान सकते हैं कि उनके 5 कौन कौन से हैं, और इंडिया में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है किस किस फील्ड में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है पेपर 2 एंड 3 से रिलेट कर सकते हैं इसको, मेघालय माइन कोलैप्स के बारे में है कि उन्होंने इसको रिलेट किया गया है कि आखिर वहाँ पर लोग इलीगल माइनिंग के लिए क्यों ये करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अवेलेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट अच्छे से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रमोट करे तो लोग वहाँ पे इलीगल माइनिंग के लिए नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।